नंबर वन भाई, कुछ ज़्यादा ही नहीं लूट रहे हो। और सपने ना पैसों से ही खरीदे जाते हैं ज़्यादातर। सी अमेजिंग। बर्गर ले रहा हूँ मैं और 220 लीरा का पड़ रहा है। हाउ कम यू हैव दीज इंडियन नोट्स? हाँ अरे भाई साहब, यहाँ पे ये क्या है? हर प्लेट में ना कुछ रखा हुआ है। ये मीट लग रहा है मुझे। वैसे मैं खा तो लेता हूँ नॉनवेज, लेकिन यार मैं प्रेफर नहीं करता कभी भी। दिस इज व्हाट इज दिस? मीट। यस ओके। दिस इज चिकन। चिकन ओके। तो सुबह सुबह चिकन मिल रहा भाई। ओके I don't prefer non-veg in the morning. That's why. Turkish meat. Turkish meat. अच्छा Turkish meat. Okay. Thank you. चलो वैसे मैं इसको निकाल दूंगा, खाऊंगा नहीं। सिर्फ अपना ये वेजिटेरियन है वही खाऊंगा। बाकी यहाँ पे बॉयल्ड एग भी है और ये देखो इसमें भी मीट लग रहा है मुझे तो। चलो देखते हैं यार अब क्या करें। हाँ ऐसा ही खान पान है बिल्कुल। ठीक है यहाँ पे केक भी है। तो लेते हैं भाई अपनी प्लेट और शुरू करते हैं आज का दिन और करते हैं ब्रेकफास्ट। भैया अपने आलू के पराठे, पोहा, दही अचार वही बढ़िया है नाश्ते में। सो हे गाइज, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम एसके सेहिर, जो कि एक खूबसूरत सा टाउन है तुर्की का। बेसिकली कैपाडोसिया से जब मैं वापसी इस्तांबुल और फिर यूरोप में एंटर करने जा रहा हूँ तो बीच में पड़ा है। बाकी एक बार मैं ना सबसे पहले आपको रूम दिखा देता हूँ भाई कि रूम मेरा कैसा था रात का, क्योंकि रात को शायद मैं दिखा नहीं पाया था। तो रूम जी ये था, ब्यूटीफुल सा रूम था। हालांकि हमने सारा सामान फैला दिया है लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था, दिखाता हूँ। ये देख रहे हो ये गद्दे भाई साहब, इससे मेरी कमर में दर्द हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि भाई मैं ज़मीन में नीचे सोया हूँ ये लगा के पूरी रात। तो ये सीन है। बाकी व्लॉग मैंने एडिट करके डाल ही दिया है और 4K व्लॉग्स स्टार्ट हो गए दोस्तों। 4K व्लॉग्स, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई 4K में वीडियो डालो, तो अब से 4K व्लॉग्स आ गए हैं। तो अगर आपने 4K में वीडियो देखना हो तो भाई 4K की सेटिंग्स में जाके वहाँ पे 4K कर लेना। और टीवी पे तो भाई मज़ा ही आ जाएगा आपको देखने में। एक बार जो मैं बाथरूम है वो भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ का बाथरूम ऐसा है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। हालांकि जो शावर रूम है बहुत छोटा है। तो ये है, ये पूरा रूम था और ये मुझे पड़ा था करीबन 3800 का इंडियन रुपीज में। तो भाई चेन ल्यू कर लेते हैं। ये देखो जी अपनी बाइक कहाँ पे खड़ी थी दिखाता हूँ। ये रही जी सामने, बिल्कुल होटल के सामने थी। मैंने पूछा इनकी पार्किंग है कि नहीं है रात को, लेकिन इन्होंने बोला कि भाई पार्किंग तो नहीं है लेकिन आप सामने खड़ी कर सकते हो, सेफ़ है। रात को बार बार ऊपर से मैं देख रहा था कि भाई यहीं पर है कि नहीं, यहीं पर है कि नहीं। तो चलो ठीक है, मिल गई सुबह सुबह। बाकी चेन ल्यू करते हैं ठीक है, क्योंकि चेन ल्यू रोज़ करना बहुत ज़रूरी है। इतनी बड़ी राइड में नहीं करेंगे तो भाई चेन का सत्यानाश हो जाएगा। तो फाइनली गाइज फुल लोड हो गई अपनी चांदनी, ऊपर जैकेट और हेलमेट रखा हुआ है, इस वजह से ज़्यादा ओवरलोडेड लग रही है। बाकी आज का जो डेस्टिनेशन है दोस्तों वो है मेरा इंडिया। तो इस्तांबुल जा रहा हूँ या फिर उससे आगे निकल जाऊँगा। बेसिकली इस्तांबुल यहाँ से 300 किलोमीटर है, इस्तांबुल ईजी रहेगा और फिर अगले दिन मैं यूरोप में एंटर कर जाऊँगा। तो देखता हूँ इस्तांबुल रुकूंगा या फिर थोड़ा सा आगे निकल जाऊं जिससे कि बॉर्डर पे सुबह सुबह जल्दी पहुंच जाऊं और क्रॉस कर लूं, यूरोप में एंटर कर जाऊं। मैप लगा दिया मैंने, ये देखिए यहाँ पर लग गया। तो डायरेक्ट इसी से इसमें स्ट्रीम हो जाएगा स्क्रीन में और ये अपना एंड्रॉयड ऑटो प्ले है, फ़ोन इसके अंदर रहता है अपना और यहाँ पर मैं मैप देखता रहता हूँ। चलो जी निकल पड़े आगे के सफ़र के लिए, यूरोप वेट कर रहा है। बाकी ये जो शहर है दोस्तों एसके सेहिर, मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि खूबसूरत बहुत है, साफ़ सफाई बहुत है और बिल्डिंगें काफ़ी सुंदर हैं यहाँ की। ये देख रहे हो, मतलब
आर्किटेक्चर देखो इनका, मतलब सिंपल बिल्कुल बिल्डिंग है लेकिन कितनी नीट लग रही हैं, मतलब प्लान्ड सिटी लग रही है पूरी की पूरी, कि भाई हर चीज़ प्लान्ड है, साफ सुथरी। कोई घर ऐसा नहीं है जो कि डार्क कलर का हो, ज़्यादातर जो बिल्डिंग है लाइट कलर की हैं। मस्त लगा मुझे। बाकी यहाँ पे ट्राम वगैरह भी चलती है तो नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी होती होगी यहाँ की, लेकिन भाई अपने पास टाइम की कमी है क्योंकि यूरोप एंटर करना है, फिर नॉर्वे भी जाना है। नॉर्वे जब तक मैं पहुँचूँगा शायद विंटर्स आ जाएंगी, तो इस वजह से मैं थोड़ा सा भाग भी रहा हूँ। ये देखो शहर, देखो यार शहर देखो, बहुत ही खूबसूरत शहर है, मुझे तो मज़ा आ गया देख के और कुछ भी मज़ा आ रहा है देख देख के यार लाइफ के ना मज़े ज़रूर लेने चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ कि काम करो लेकिन दुनिया घूमो, देखो, एक्सपीरियंस मिलेगा। और सबसे बड़ी बात भाई, अकेले मतलब कि सोलो ट्रैवल कभी करना, आपको ना बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, बहुत कुछ देखने को मिलेगा, अपने आप से बातें करने को मिलेगा, आप मजबूत होगे अपने, मतलब कि मेंटली आप काफ़ी स्ट्रांग होगे। चलो जी सीधा जाना है, मेंटली तो हो गई साथ ही साथ फिट भी रहोगे। ये देखो ट्रैम कितनी सही लग रही है ना, मस्त बढ़िया। तो ऐसे ही रोड पे चलती है यहाँ पे ट्रैम, दोनों साइड शॉप्स देखो दोस्तों, कितनी सारी शॉप्स हैं और सारे कैफेज़ बार वगैरह, काफ़ी बड़ी सिटी है ये एसके सहिर। कभी आओ तो अच्छे से घूमना, अगर फिर दोबारा कभी आना हुआ तुर्की तो भाई ये वाला शहर मेरी टॉप लिस्ट में रहेगा। ये देखो सामने पुलिस खड़ी है, सबको रोक रही है शायद। हाँ पुलिस, ट्रैफिक पॉलिसी, सबके कागज़ वगैरह चेक हो रहे हैं कि भाई कैसे घूम रहे हो तुम अपने पास सारे कागज़ हैं यार, मतलब कार्नेट से लेके, ड्राइविंग लाइसेंस से लेके, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस से लेके, सब कुछ मैंने मतलब लेके चला हूँ मैं। यहाँ से मुझे राइट लेना है, फिर नहीं लेफ़्ट लेना है। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री राम। चलो शुक्र है पेट्रोल पंप आ गया, मुझे लग रहा था कि भाई कहीं ख़त्म ना हो जाए, अगर 40-50 किलोमीटर जाना पड़ता ना तो शायद कम पड़ जाता। ऐसे पेट्रोल पंप है भाई यहाँ पे, देखो चार चार नोज़ल लगे हुए हैं, एक शेल फ्यूल सेव है, शेल फ्यूल सेव दो है, पता नहीं क्या क्या है, समझ ही नहीं आ रहा। पहले अपना तो भराएं, फुल फुल बेंजिन, पता चले डीजल डल गया बेंजीन, इट इज़ कॉल्ड बेंजीन और बेंजीन, बेंजीन, ओके। अभी भी ना प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत है। 45.58 लीरा है यहाँ पे पर लीटर। यहाँ पे पेट्रोल तेज़ आ रहा है, ज़्यादातर जितने पेट्रोल पंप पे भरा है ना मैंने, वहाँ पे बहुत स्लो जाता है, मतलब काफ़ी टाइम लग जाता है भरने में। ओके ओके, डन 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 डन, इट्स फुल। या बहुत जल्दी बोलना पड़ता है, ये बिल्कुल ही फुल कर देते हैं। मैं बोलता हूँ थोड़ा सा छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन समझ ही नहीं आती इनको। खैर इनको भी क्या समझ आएगी इनको सिर्फ तुर्किश भाषा समझ आती है। एक सेकंड मैं आगे करता हूँ, पहले इसको सेट करना पड़ेगा, काट देना पड़ेगा, क्योंकि अब टर्किश लीरा मुझे ख़त्म करने हैं, थोड़े से ही बचे वो खाने पीने के काम आ जाएंगे। तो मैं यूज़ कर रहा हूँ जी FI का कार्ड, ये फॉरेक्स कार्ड है ये। 11.88 लीटर आया भाई, 547.91 लीरा हो गया। आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा देख लेना यार, क्योंकि मैं उतना कैलकुलेशन में बढ़िया हूँ नहीं कि साथ के साथ करके बता दूँ। 1200-1300 रुपये हो जाते शायद। ये पर्ची दी है, इससे पे करके आता हूँ मैं। 6 नंबर काउंटर बोल रहे हैं, बाइक मैंने उधर ही छोड़ दिया यार, फटाफट पे करके भागता हूँ। कितनी सारी मशीन है, एक नहीं 8-10 लेके बैठे हुए हैं। यू हैव टू इंसर्ट द कार्ड, वाईफाई इज़ नॉट वर्किंग। ओके डन। और ये जा रहा शायद स्कानिया, स्कानिया है पता नहीं कौन सा है, लेकिन बहुत ही बड़ा ट्रक है भाई। जब भी साइड में से इतने बड़े बड़े ट्रक निकलते हैं ना, ऐसा लगता है कोई पहाड़ निकल रहा है मेरे साइड से। ओहो
KTM लेके कोई बंदा जा रहा भाई। लैंडस्केप इज टू गुड, मजा आ रहा भाई देख के, आंखों को सुकून मिल रहा है कि इतनी प्यारी प्यारी लैंडस्केप देखने को मिल रही है। हालांकि ये जो सीन्स है ना, ऐसे अपने महाराष्ट्र में जब जाते हैं हम, ऐसे नज़ारे देखने को मिलते हैं, इससे भी खूबसूरत देखने को मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है, अपना इंडिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन कभी कभी बाहर भी निकलना चाहिए। और मैं बहुत सालों बाद निकला हूँ पूरा इंडिया एक्सप्लोर करने के बाद, और मैंने स्टार्टिंग में बोला भी था कि भाई पहले अपना इंडिया एक्सप्लोर करो, फिर जाके आप दूसरी कंट्री को एक्सप्लोर करना, क्योंकि इंडिया के अंदर इतना कुछ है ना कि आप दो जन भी बिता दोगे तो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाओगे। हालांकि मैंने इंडिया को ऑलमोस्ट कोना कोना देखा है, दिखाया है आपको अपने यूट्यूब चैनल पे। तो अब निकला हूँ इस दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए। आई होप सो कि आपको ये जो सीरीज़ है पसंद आएगी, और पसंद आए तो दोस्तों हर वीडियोस पे लाइक कमेंट शेयर भर भर के करना, भर भर के। और ये चीज़ मैं हर वीडियो में बोलूँगा कि भाई लाइक शेयर कमेंट भर भर के करना, क्योंकि उसी से जो वीडियो है आगे दूसरों तक पहुंचेगी। भाई साहब सामने का शहर देखो, मुझे नहीं पता कौन सा शहर है, लेकिन कितना खूबसूरत लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है। ओहो, दिस इज़ इनक्रेडिबल। तो यहाँ पे भी यार मैं रुक गया हूँ, और एक ड्रोन शॉट यहाँ का भी लूँगा, क्योंकि इतना ज़्यादा खूबसूरत है ना मैं बता नहीं सकता। और यहाँ पे बस स्टैंड भी है टर्मिनल, वो देखो, टू बोजुयुक बेलेडियस ऑटो बस टर्मिनल। तो इस वजह से मेरा बार बार रुकने का मन कर जाता है कि जगह ही इतनी खूबसूरत है यहाँ पे। और ये देखो शायद स्कानिया जा रहा है, कौन सा, ये फोर्ड का ट्रक है देखो। मतलब यहाँ के ट्रक ना मुझे यार बहुत ज़बरदस्त लग रहे हैं, मस्त वाले। लुक एट दिस मॉस गाइज, कितना सुंदर मॉस बनाया हुआ है, सी वाइट कलर का गोल्डन गुंबद है इसका, अमेजिंग लग रहा है कितना, सी। इस्तानबुल गलत आ गए, इस्तानबुल उधर था यार, उस साइड लिखा हुआ था इस्तानबुल। अब आया ये देखो, 251 किलोमीटर दिखा रहा है भैंस क्या यहाँ से। नहीं यार उस वाले रास्ते से कम था, शिट गलत आ गया यार, अब उल्टा भी नहीं जा सकते। यहाँ पे देखो यार पूरा का पूरा पहाड़ी एरिया आ गया, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है यहाँ पे। और मेरी स्पीड अभी है 90, वो वाली जो लेन है वो 110-120 जाती है गाड़ियाँ, अपन इधर ठीक है, लेकिन जब ओवरटेक करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड से करना पड़ता है। ये देखो इतनी देर बाद यू टर्न आया, कम से कम 10 किलोमीटर बाद। अब मैं 10 किलोमीटर उल्टा थोड़ी ना जाऊँगा, सीधा ही चलते हैं, देखी जाएगी। वैसे नज़ारे काफ़ी सुंदर है यहाँ पे इस वाले रोड पे, वहाँ पे हाईवे था, लेकिन यहाँ पे पहाड़ियाँ आ गई ना तो मज़ा सा आ रहा है। देखो यहाँ पे सनफ्लावर की खेती हो रखी है, कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त लग रहे हैं। देखिए यहाँ पे भी फोटोग्राफी वगैरह कर रहे लोग, मस्त लग रहे हैं, आय हाय ज़बरदस्त। एक फ़ोटो तो बनता है यार बाइक का, है ना। ये कौन सी है, गोल्ड विंग है शायद, सी मस्त लग रही है ना कितनी भाई ये गोल्ड विंग पे ट्रैवल कर रहे हैं सी। नाइस यार, नाइस, मस्त लग रही है कितनी
ओए ओए सही है, हाय गजब लग रही है, ऐसा लग रहा है भाई हवाई जहाज चल रहा है। ये भी एक सपना है यार, कभी गोल्ड विंग लेने का होंडा की और दिव्या को बैठा के ऐसे ट्रैवल करने का कहीं पे भी। लेकिन इंडिया में ना इसके लिए ऐसे रोड्स बहुत कम है, सिर्फ हाईवे पे चलने लायक है, ये एडवेंचर नहीं है बेसिकली। सी कितनी गजब की लग रही है यार, सपने सपने होते हैं भाई, और सपने ना पैसों से ही खरीदे जाते हैं ज़्यादातर। सी अमेजिंग ब्यूटीफुल। चलो अब कुछ खा पी लिया जाए, बहुत तेज़ भूख लग रही है भाई। वो रहा बर्गर की, बर्गर खाते हैं यार आज, और क्या खाएंगे, इंडियन तो मिलेगा नहीं, बहुत मुश्किल है। चलो छाया है नहीं, धूप में ही लगानी पड़ेगी। पहले इधर चलते हैं, थोड़ा देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पे। जैतून, ये क्या है, बादाम शदाम लग रहे हैं कुछ। ये देखो कुछ प्रोटीन श्रोटीन सोयाबीन वगैरह का सीन है। टॉय शॉप, ओके ठंडा तो मिला। ये लेते हैं, ये अच्छा लगा था कल, लेमन वाला। ठीक है ये ले लेते हैं, चलो फ्रूटी एक्स्ट्रा, ये खुल भी जाएगी अपने हाथ से। हाउ मच फॉर दिस? 15, गिव मी टू। टू 120, ओके। सो गाइस देखो यहाँ पर बर्गर ले रहा हूँ मैं, और 220 लीरा का पड़ रहा है, जो कि वेज बर्गर है। सी ओके थैंक यू। तो भैया पर्स में पैसे डाल ले पहले। तो ये देखो यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें ना नॉन वेज ही हैं, और मैं प्रेफर करता नहीं हूँ नॉन वेज, ज़्यादातर मैं वेज ही खाता हूँ। अलग मरने की स्थिति आ जाए तो भैया नॉन वेज भी खा लेंगे हम। बाकी ड्रिंक वगैरह मैंने कुछ लिया नहीं है, कहीं और से ले लिया तो वो अपना काम चल जाएगा। ठीक है वो देखो वहाँ पे 340 टर्किश लीरा का मेगा डबल चीज़ बर्गर है। ये आ गया जी अपना वेज बर्गर, फटाफट खाते हैं, ज़्यादा बड़ा तो लग नहीं रहा है, ठीक ठाक साइज़ है। 220 लीरा में ये मिला है फ्रेंच फ्राइज़, पानी की बॉटल, ये जैम, मेयोनीज, जैम नहीं है सॉस होगा शायद। तो यहाँ पे तो यार हर जगह यही मिल रहा है, मैं आगे भी गया देखने के लिए कि कुछ मिल जाए, लेकिन कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये बर्गर किंग नज़र आया मुझे, तो यहीं पे भैया ऑर्डर कर दिया ये मैंने। और ये बता रहे कि ये वेज है, आलू की टिक्की है क्या है पता नहीं है बीच में, ये देखो लग तो वेज ही रहा है। भाई साहब हवा ने ना इतना दिमाग ख़राब कर रखा है, ये देखो ये कैसे भाग रहा है इसकी आँख, हवा ने इतना दिमाग ख़राब कर रखा है, बाइक संभाले संभल नहीं रही है, इतनी तेज़ हवा चल रही है, कभी इधर जा रही है बाइक कभी इधर जा रही है। और यहाँ पे स्लो चलाऊँ तो दिक्कत है, क्योंकि पीछे वाले इतनी तेज़ आते हैं गोली की तरह, और ज़्यादा डर लगता है। ऐसा क्यों है यार यहाँ पे इतनी तेज़ जो हवा चल रही है, कोई कमेंट में बताएगा क्या? वैसे नज़ारे काफ़ी खूबसूरत हो गए हैं अभी यार, मुझे ये समझ नहीं आता, मैं इस साइड चल रहा हूँ अपनी लेन में, गाड़ी वाले ऐसे आते हैं बिल्कुल चिपका के निकाल के लेके जाते हैं भाई साहब, और मेरा अंदर से दिल बाहर आके धक धक करने लग जाता है। यहाँ पर बाइकिंग करना आसान नहीं है अगर कारों को देखा जाए तो, क्योंकि कार वाले भाई रॉकेट उड़ाते हैं यहाँ पर, रॉकेट देखो कैसे जा रही है गाड़ियाँ, मैं 100 पे चल रहा हूँ वो 150 पे चल रही हैं। ये लो भैया टोल आ गया लग रहा है, 135 या 140 लीरा का लग तो ऐसे ही रहा है। फ्रॉम देयर
नंबर वन ओके फॉर फॉरेनर्स ओके दिस वन ओके वहाँ से घुसने नहीं दिया भाई हेलो हाउ मच 380 भाई साहब कार्ड विल वर्क कार्ड अबे भाई 380 टर्किश लीरा इतना मैं कहा ये तो कमाल हो गया धोती फाड़ के रुमाल हो गया 1200-1300 रुपये का टोल टैक्स वो भी बाइक के लिए भाई साहब वहाँ से शायद लोकल को निकलने देते होंगे ऐसे चलता रहा तो कैसे चलेगा भाई कुछ ज़्यादा ही नहीं लूट रहे हो ओके दिस इज़ टू मच मैन 380 वाट लग गई कल घुसना है यूरोप अब यूरोप में क्या सीन रहेगा ये देखना पड़ेगा भाई नो टोल वाले लगाऊंगा मैं ये लगाया तो नो टोल वाला ही था लेकिन अब पता नहीं कौन सा आ गया ये और वहाँ से अगर निकल जाता तो मेरे को लग रहा है कि कम लगता जो वहाँ पे वो लेडी ने रोक दिया कि बाहर के फॉरेनर्स को और ज़्यादा काटो ए यार ये बंदे खड़े कर रखे इन्होंने तुम्हारी ऐसी तैसी वैसे नज़ारा काफ़ी खूबसूरत है लेकिन इसको देखने के लिए अगर 480 लीरा देने पड़ते हैं तो भाई मैं कभी नहीं देखूंगा लेकिन ठीक है चलो अब क्या ही कर सकते हैं ओ माय गॉड लुक एट द व्यू गाइस दिस इज़ अमेजिंग लेकिन 480 लीरा बहुत ज़्यादा थे गाना गाने का मन कर रहा है फिर दोबारा से इसी बात पे ये देखो टर्किश फ्लैग कैसे लहरा रहा है जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी ये रुलाए कभी तू हंसाए रुलाए लोग मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारी हाइट कितनी है कि तुम टाइगर भी चला लेते हो हिमालयन भी चला लेते हो भाई मेरी हाइट 5.6 है कहाँ से जाना है यहीं से जाना है ना भाई पेट्रोल भी भरा ही लेते हैं 5.6 है मेरी और जूते वूते पहन के एक आध इंच और बढ़ जाती है तो चला ही लेता हूँ मैं सारी चीज़ें इधर चलो पेट्रोल के रेट तो वही है यहाँ पे 43.33 है 43.33 तो आधे से भी कम टैंक हो गया है सिर्फ दो बार दिखा रहा है इसमें दिखाता है चार या पांच बार वैसे 45 पर लीटर ओके वहाँ पे तो उस टाइम 43 दिखा रहा था बेंजीन यस ओके डन नो इट विल गो आउटसाइड इट विल कम आउटसाइड बोल रहा हूँ नहीं नो प्रॉब्लम यस 100 नोट इंडियन नोट भाई हाउ कम यू हैव दीज इंडियन नोट्स हाँ या हिंदुस्तान रुपीज सी आई हैव ऑल्सो सी आई हैव ऑल्सो सी नो आई हैव लिटिल ओनली लिटिल आई हैव ओनली सम चलो भाई इनके पास ये दिखाने के लिए आया मेरे पास हिंदुस्तान के नोट हैं यहाँ पे हिंदुस्तान इंडिया को बोलते हैं भाई तो पेट्रोल वहाँ भराओ पैसे अंदर देने जाओ भाई साहब ये बड़ा सीन है यहाँ पे वेयर इज़ द काउंटर यस आई हैव टू वेट नो
इंसर्ट इंसर्ट चेक ओके। तो ऐसे यहाँ पे यार जो पेट्रोल पंप होता है ना, ज़्यादातर जगह आपको अंदर ही पे करना पड़ेगा, इन्हीं का ही होता है ये पेट्रोल पंप भी पूरा का पूरा। जैसे मैं बीपी में गया था तो बीपी वालों का पेट्रोल पंप था और पूरा का पूरा अंदर भी ये शॉप वगैरह खाने पीने की। चलो जी इनको देते हैं ये पर्ची और फिर निकलते हैं आगे, क्योंकि एक पर्ची इनको देनी पड़ती है। कीप इट विच वन ऑल नो नो आई डोंट हैव रुपी चेंज नो यस दिस इज माई यूट्यूब चैनल आई एम गोइंग टू नॉर्वे एंड लंडन फोर टू फाइव मंथ्स या भाई साहब इधर भी टोल लेंगे क्या टोल ही टोल टोल ही टोल पेट्रोल ही पेट्रोल पेट्रोल ही पेट्रोल सिंगल 40 लीरा मोटरसाइकिल फ्रॉम इंडिया कमिंग फ्रॉम 140 लीरा ओके कभी 140 कभी 130 सबसे बड़ा टोल 450 का पड़ा 480 का कार्ड ओ इंसर्ट इंसर्ट या एक्चुअली मैंने वाईफाई वाला बंद कर रखा है ना तो कहीं पे भी वर्क नहीं करता टैप एंड पे। भाई यहाँ पे ना मुझे पिन बताना पड़ा क्योंकि ये बोल रहे कि मशीन बाहर नहीं ला सकती, कार्ड से मैंने पेमेंट करी। वेट 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 पोंपो शुरू हो गई इनकी। भाई साहब एक बार चेक कर लूँ मैं अपने कार्ड में कहीं ज़्यादा ना काट ली हूँ, वैसे तो 140 की ही पर्ची निकली है, इसको मुझे पिन बताना पड़ा। वैसे पिन मांगते तो नहीं है, ये एक बड़ा सीन हो गया। लेट मी चेक, अगर ऐसा ही चलता रहा और मैं टोल देता रहा ना, मुझे लग रहा है कि भाई जब तक ट्रिप एंड होगा ना लाख रुपए का खर्चा तो टोल का आ जाएगा मेरा। अरे नहीं भाई कुछ तो करना पड़ेगा। शाम के 7 बजे हैं और इंडिया में 9:30 बज गए होंगे। मैं अभी भी राइड कर रहा हूँ, देखो बस पहुँच ही गए। ये है भाई यहाँ पे तो सामान ले जाना आप सफीर पार्क एंड टनी। अच्छा ये रहा ना, आराम से लग जाएगी पार्किंग तो सही है यार यहाँ पे। चलो जी 4-स्टार होटल है ये, बाइक उधर छोड़ दी पार्किंग में। 4-स्टार होटल है सफीर, कहाँ से खुलेगा रिसेप्शन का है। ओके गुड नाइस होटल तो अच्छा है यार। आई हैव ए बुकिंग दीपक गुप्ता पासपोर्ट वेट कमिंग। अरे वाह बढ़िया है यार ये तो होटल तो बहुत बढ़िया है, सही मस्त मज़ा आ गया देख के। हालांकि जहाँ पे मैं बुक करना चाह रहा था वहाँ पे हुआ नहीं, वहाँ पे सस्ता था थोड़ा सा, लेकिन ये थोड़ा महंगा पड़ा है वहाँ पे मिला ही नहीं, तो क्या है कि यहाँ पे बुक करना पड़ा 10 किलोमीटर दूर आके उस जगह से। ब्रेकफास्ट इंक्लूड है मस्त 3800 या 3700 में ये हो गया 4-स्टार होटल। व्हाट इज़ द प्लेस नेम हेयर? नो नो प्लेस सिलीवरी सिलीवरी ओके दिस इज़ माय पासपोर्ट ओके। फ्लोर फ्लोर विच फ्लोर? थर्ड फ्लोर। इज देयर लिफ्ट? नेम सर नेम। सो फाइनली रूम मिल गया है दोस्तों, और देखो रूम कितना शानदार है भाई, जबरदस्त लग रहा है ना। और ये रहे हम और ये रहे हमारा हेलमेट, और यहाँ पे कुछ टेबल वगैरह लगी हुई हैं और चेयर वगैरह है, डबल बेड यहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ पे कवर्ड वगैरह है, और यहाँ से हम इसको उठा भी सकते हैं वैसे तो, और यहाँ से नज़ारा भी देखो सामने से सिटी का, सही लग रहा है ना।
तो चलो जी फाइनली वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको मजा आया होगा वीडियो में। यार आपका भाई मेहनत तो बहुत कर रहा है, एडिटिंग वगैरह में सारी चीजें सही करने की कोशिश कर रहा है, छोटी मोटी गलती हो जाए तो दोस्तों माफ कर देना। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, जो लोग नए दर्शक जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करना और बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबाइएगा। और हाँ, अगर हो सके तो दोस्तों शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ, मतलब अपने सभी दोस्तों के साथ यार शेयर कर देना वीडियो, जिससे कि अपना वीडियो, अपने चैनल की रीच और ग्रोथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाए। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ना आपका पैसा लगना है ना आपके डॉलर लगने हैं, सिर्फ एक शेयर का बटन दबाना है। तो चलो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा।